अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 18, टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉब्लम 62। वो कहता है जी लिंडेनफोर्स्ट इफेक्ट है, वो कहता है पानी का एक कतरा जो एक सेकंड में एक हॉट स्किल्ट तक ठहर सकता है टेम्परेचर बिटवीन 100 सेल्सियस एंड द 200 सेल्सियस में। वो कहता है अगर स्किलेट इज मच हॉटर ड्रॉप लास्ट सेवरल मिनट्स एन इफेक्ट नेम आफ्टर एन अर्ली इन्वेस्टिगेटर। वो कहता है लॉन्गर द टाइम ड्यू टू द स्पोर्ट ऑफ थिन लेयर एयर एंड वाटर वेपर सेपरेट्स द ड्रॉप फ्रॉम मैटर, यानी वो उसमें एक लेयर आ जाती है हवा की जो उसे अलग रखती है। अब मामला क्या है जी, वो कहता है मानो लेंथ 1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, ड्रॉप जो है फ्लैट हाइट पे आपके पास दिखाया गया 1.5 mm के एरिया उसका दिखा दिया गया है। वो कहता है ज्यूम कर दो कि स्किलेट का कांस्टेंट टेम्परेचर है 300 सेल्सियस, टेम्परेचर ड्रॉप करता है 100 सेल्सियस पे, डेंसिटी दे दी गई है, थर्मल कंडक्टिविटी दे दी गई है, रेट ऑफ एनर्जी मांग रहा है जो उसमें ट्रांसफर होगा। फिर वो कह रहा है कि प्राइमरी एनर्जी जो मूव करेगी स्किलेट से टू ड्रॉप में कितनी देर तक वो ठहरेगा। तो पहले तो हम सिंपल सा टूल जानते हैं कंडक्शन का, आपके पास के भी है, ए भी है, टेम्परेचर डिफरेंस भी है, लेंथ भी है, जितना सेल्सियस का डिफरेंस होगा वही केल्विन के डिफरेंस में शुमार हो जाएगा। तो ये 0.208 वाट आ जाएगी, यानी इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी आपके पास, तो ये 0.21 भी माना जा सकता है। अब टाइम फैक्टर की तरफ जाना है तो एम बाई टी जो आपके पास होगा, जो इतना मास ट्रांसफर हो रहा होगा टाइम के लिहाज से, कंडक्शन ओवर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आ जाएगा, इसमें से टाइम साइड पे कर लेंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ कर लेंगे, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एएच के तौर पे ले लेंगे, सारी वैल्यूज पता है, डेंसिटी पता है, एरिया पता है, एच पता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता है और कंडक्शन पता है पावर, तो वो सारों को सॉल्व करेंगे तो 65 सेकंड लगेंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।